स्टूडेंट्स, गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आज एक बार फिर आप लोग का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं से हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने इवोल्यूशन में बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें कैसे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और इसके ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि धरती पर ही जीवन की शुरुआत हुई, और वो सारे जो जीवन की शुरुआत हुई वो अकार्बनिक पदार्थों से या कार्बनिक पदार्थों से किसी रिएक्शन के फलस्वरूप पैदा हुए। यूरियन मिलर का सिद्धांत हमने पढ़ा, और जो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि धरती पर मौजूद चीज़ों से ही जीवन की शुरुआत हुई, और सबसे पहले हमने आरएनए जैसा कुछ सब्सटेंस पाया जिससे कि आज जीवन का इतना विस्तृत और समृद्ध स्वरूप हम देखते हैं। चाहे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रोस्कोपिक हों, वो सभी में वही तत्व मौजूद हैं जो पृथ्वी के पूर्व की अवस्था में थे। इसके बाद हमने एविडेंसेस पढ़े, जिसमें बहुत सारे एविडेंसेस हमने पढ़ा, जिसमें फॉसिल एविडेंस, जिसको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। इसके बाद हमने बायोकेमिकल एविडेंस पढ़ा, हमने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस भी पढ़ा, जिससे ये मालूम होता है कि जो किसी भी लिविंग का जो एम्ब्रायो होता है, खास करके जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज जो होता है वो अपने जो उसके पुराने पूर्वज होते हैं, चाहे वो किसी भी के हों, मैमल का है तो इट में कि उसमें एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं। जैसे आपने एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी जब आपने पढ़ा है और आप अपने बुक्स में भी इसको देख रहे हैं कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एम्ब्रायोलॉजिकल पैटर्न जो होता है वो अपने पुराने पूर्वज को फॉलो करता है, जिसको कि हम एक तरह से रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने बहुत कुछ पढ़ा, साथ ही हमने कुछ कनेक्टिव लिंक भी पढ़े। इसमें ही हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि डार्विन और लेमार्क की थ्योरी कैसे एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं। जहाँ डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को प्रिफर किया, नेचुरल सिलेक्शन को प्रिफर किया, जहाँ प्रकृति जो है, प्रकृति जीवों को बढ़ने में अब और उनके अस्तित्व को बनाए रखने में हेल्प करती है बाय जो लॉस के हैं, जैसे कि हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। साथ ही उन्होंने, डार्विन ने यह भी कहा कि प्रकृति उन्हीं को मोटिवेट करती है या प्रमोट करती है जिनके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें होती हैं, ताकि वो आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। क्योंकि और इसी में उन्होंने एक और टर्म यूज किया था, दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी आपने आपको परिस्थिति के अनुसार ढालना। अब ये जो अडेप्टेशन होता है ये पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव भी होता है, हमने ये भी पढ़ा। हालांकि लैमार्क ने भी इसी बात की चीज की बात की थी, लेकिन ये बात बहुत आगे तक नहीं जा सकी, हर एक जीव पर लागू नहीं हुआ। लेकिन डार्विन का जो अडेप्टेशन जो था वो काफ़ी हद तक बहुत सारे लिविंग पर, बहुत सारे जीवों पर लागू होता है। जैसे कि अगर हम लैमार्क की अगर हम बात करें एज ए एग्जाम्पल, तो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया। तो जिराफ जो थे उनकी गर्दन लंबी हुई, या उनके जो फोर लिम्स थे वो काफ़ी लंबे हुए उनके पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से, तो ये चीज़ उनके जर्म्स तक गए, यानी कि सेल तक ये चेंजेस गए। यानी जब सेल में चेंज होता है तो वो चेंज जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में होता चला जाता है, और हमें नए ऑर्गेनिज्म प्राप्त होते हैं। और एक काफ़ी लंबे गैप के बाद, अगर हम उसको हम 10 लाख साल का अगर हम बीच में गैप रखें, तो हम ये पाएंगे कि इस दौरान, ये इस दिस टाइम ड्यूरेशन में जो यहाँ पर पहले साल में जो जीव था उसमें, और उसी सीरीज का अगर हम जानवर को देखें तो 10 लाख साल में उसे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो ये बात लैमार्क ने भी कहा था, लेकिन ये हर एक जीवों पर साबित नहीं हुआ। जबकि डार्विन की जो अडेप्टेशन थ्योरी थी ये काफ़ी विस्तृत थी, और ये बहुत सारे जीवों पर अप्लाई होता है कि प्रकृति ही जीवों को आगे बढ़ने में, उनको
उनको बहुत अच्छे से अपने स्पीसीज को कायम रखने में हर तरीके से मदद करती है। और इसके लिए उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, जिसमें आप जानते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जो बात करते हैं तो उसमें आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड एडप्टेशन। साथ ही उन्होंने म्यूटेशन की भी बात की थी। म्यूटेशन आप बच्चों जानते हैं, मैंने ही आपको पिछली कक्षा में पढ़ा है, म्यूटेशन क्या, सडन चेंज, जब किसी तरह का भी चेंज जो होता है वो अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में हो तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो चेंज होता है वो उसके न्यूक्लियोट, आपको पता है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, अरेंजमेंट ऑफ इधर आपका क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, सुगर होता है, फॉस्फेट और सुगर का बॉन्ड होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियोटाइड अरेंज होता है, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, इस तरह से जो अरेंज। तो सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का जो चेंज हो जाता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो चेंज होगा वो या तो नेचुरल हो, जैसे कि हम कह सकते हैं रेडिएशन के थ्रू हो सकता है, या उनके माता पिता या किसी जीव को किसी ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ जाए जो कि पहले से वो उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है। अगर हम वेल की ही बात करें तो वेल क्या है, वेल इज अ मैमल, बट उसके जो सारे हम उसका जब हम फिजिकल फीचर्स को देखते हैं तो वो फिश के रूप में दिखती है। तो अगर ये फिश के फॉर्म में दिखती है लेकिन ये मैमल है, तो फिश अगर वेल की ही अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो वेल में भी ये चेंज आए, तो ये भी म्यूटेशन थ्योरी की बात डार्विन ने की थी। तो इन सारी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ा बच्चों। आज हम आगे अपने चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें हमने पढ़ेंगे कि कैसे इस धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई उसका एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ, तो हार्डी विनबर्ग लॉ हमें क्या बताता है। हार्डी बच्चों ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और विनबर्ग एक जर्मन फिजिशियन थे, डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, दैट इज फिजिशियन, एमबीबीएस जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ये दोनों अलग अलग जगहों पर अलग अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहे थे, और उनके साथ के जब उन दोनों ने अपना पेपर पढ़ा, अपना रिसर्च वर्क को दुनिया के सामने रखा, तो उसका रिजल्ट लगभग सेम था, इक्वल था। इन दोनों रिजल्ट को इंक्लूड कर करके हार्डी विनबर्ग लॉ बनाया गया। ये लॉ ये स्टेट करता है, ये लॉ हमें बताता है कि कैसे किसी भी सोसाइटी का या अगर किसी भी समाज की हम बात करें तो उसके पॉपुलेशन में, उसके पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमने अभी म्यूटेशन की बात की, एडप्टेशन की बात की, तो ये जो पॉपुलेशन में चेंज आते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो म्यूटेशन के थ्रू जो जीवों में परिवर्तन आ रहा है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन या आफ्टर ए ह्यूज टाइम गैप, तो वो कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसकी उन्होंने चर्चा की थी। तो अभी हम अपनी स्लाइड की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा स्लाइड इसके बारे में क्या बताता है। तो आइए हम स्लाइड की ओर देखें। अगर बच्चों ये आप देख रहे हैं स्लाइड को, और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। हालांकि ये इंग्लिश में दिया हुआ है मगर उसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी बात को एक्सप्रेस करनी है और लैंग्वेज कहीं पे बैरियर नहीं बनेगा। तो यहाँ कहता है कि इन अ गिवन पॉपुलेशन, अब हम बात करेंगे बच्चों ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को समझने के लिए थोड़ा सा उससे रिलेटेड टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन इज अ वेरी सिंपल टर्म, आप रोज पढ़ जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ में ह्यूमन हेल्थ में आपने पढ़ा पॉपुलेशन, इतना ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो आप यू नो वेरी वेल कि पॉपुलेशन क्या है।
लेकिन यहाँ जब हम जेनेटिक्स में और खास करके इवोल्यूशन में जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे एक अलग जीवों की बात करता है जो किसी एक खास जगह में रहते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो उसे हम उसका पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम जैसे ऑस्ट्रेलियन के मार्सुपियल्स की बात करें तो वो एक खास पॉपुलेशन हो गया, एक अलग तरह का पॉपुलेशन हो गया, वह बशर्ते कि हम इधर के एशिया वाले और यूरोपियन मार्सुपियल्स को देखें तो वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ लिविंग दैट लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस, दे हैव इंटरमीडिएट ब्रीडिंग, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो कहता है हार्डविन और प्रिंसिपल कि इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाउंड आउट, कोई निकाल सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड और इवन रिमेन द सेम थ्रू जेनरेशन, हार्डविन और प्रिंसिपल स्टेट्स यूजिंग द अलजेब्रिक इक्वेशन। हार्डविन और प्रिंसिपल को हम को यह बताता है कि अगर किसी खास जगह पे एक समुदाय के जीव रहते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और कहीं से कोई ना आता है ना जाता है, नो माइग्रेशन होता है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं होता है, तो उस खास जगह के जीवों की जो जीन है या उनके हम बात करें एलील हैं, उनके एलील में या एलील के ऊपर जो सेट जीन है उनमें कहीं कोई चेंज नहीं दिखेगा और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे कि अगर किसी अगर एग्जांपल के लिए ले हम कि किसी चार तरह के जीव को हम लेते हैं जिसमें टॉल की हम बात कर रहे हैं, टॉलनेस की लेंथ की सॉरी हाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर दो जीव डोमिनेंट हैं तो हम उनके लिए कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो जीव छोटे हैं तो उनके लिए हम स्मॉल टी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ चार जीव हैं, अगर ये चार जीव आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनके जो चांसेस हो सकते हैं, क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस बनाएंगे या हेट्रोजाइगस बनाएंगे, या तो टॉल होंगे या डॉर्फ होंगे, या बीच में एक इंटरमीडिएट का भी हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का। जब हम उनका जेनोटाइपिक पढ़ेंगे तब, आप चूंकि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसलिए आई होप कि आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो रही होगी, वो जीनोटाइपिकली एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी का गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जब फिनोटिपिकली हम उसे देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई चेंज हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि टॉल में जो लेंथ वाला है, टॉलनेस है जो डोमिनेंट है, वो ड्वार्फ को आगे आने नहीं देगा। तो ऐसे में ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, अलजेब्रा के थ्रू। जैसे आप यहाँ इस स्लाइड को देखिए, कहता है कि इट स्टेट एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को सेट करता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या होगा, मान लीजिए कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात हो रही है, तो या तो लंबे होंगे या बौने होंगे, दो ही कनेक्शन बन रहे हैं। अगर कहीं से कोई तीसरा कनेक्शन वहाँ पे आता है या कोई जीव यहाँ से बाहर चला जाता है तभी तो उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। तो कहते हैं कि अगर कोई डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज ना हो तो फिर वो उसको हम एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके की जो जनसंख्या है उसमें कहीं कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, एक खास तरह के जीव ही वहाँ जो पहले से मौजूद थे वही रहेंगे। जैसे ए जीन पूल, अब यहाँ पर एक नया टर्म आप देख रहे हैं, जीन पूल क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ जीन और टोटल टाइप ऑफ जीन ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जैसे हम कह सकते हैं पूल माने तालाब, नदी, अब नदी में रहने वाले जितने तरह के जीव हों, चाहे वो मगरमच्छ हो, मेढक हो, कछुआ हो, फिशेज हो, स्नेक्स हो, जोंक हो, तो वो सब क्या है, पूल में रहने वाले जीव है, और उस खास जगह में रहने वाले जो पूल में के जो जीव होंगे वही कहे जाएंगे। तो कहते हैं कि जीन पूल यानी वो जो खास समुदाय, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का एज एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जीवों के जितने भी जीन होंगे उसका हम जीन पूल करेंगे और इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर टोटल सम को हम एक मान लें, वन या हंड्रेड मान लें, आपको पता है 100% को हम 100 के रूप में मानते हैं, और लेट्स कंसीडर
ए डिप्लॉयड पी और क्यू, आपको पता है कि डिप्लॉयड क्या होता है, एक पेरेंट्स में एक माता से आता है, एक पिता से आता है, तो एक पी और एक क्यू है फ्रीक्वेंसी, और जिसकी एलील ए और ए है, अगर ये टॉलनेस के लिए है और ये डॉफनेस के लिए, तो एक ए और ए आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ए यानी टॉलनेस को पी स्क्वायर से बताएंगे, डॉफनेस को क्यू स्क्वायर से बताएंगे, और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का जो होगा जब हेट्रोगैमेट्स बनेंगे, यानी एक कैपिटल पी और एक ए और एक कैपिटल स्मॉल है, तो फिर उसको पीपी टू पी क्यू से हम बताएंगे, और इस तरह से जो हमारी हमारा इक्वेशन बनेगा वो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, जो कि बिल्कुल सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दिस इज द सेम, केवल यहाँ पर नॉमिनल चेंज है, पी है ए की जगह और क्यू है बी की जगह, और इसको हम वन से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस आता है तभी उस चेंज को हम इक्वेशन को मेरा चेंज कर सकता है, और ये किसके थ्रू आएगा, इवोल्यूशन के थ्रू आएगा। अब यहाँ देखिए फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं या इवोल्यूशन के थ्रू जो डिस्टर्बेंस फैक्टर आ सकते हैं, तो जीन माइग्रेशन, बच्चों आप ऑलरेडी बहुत सुनते हैं माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन कहीं से किसी का आना और कहीं से किसी का जाना या आके जाना, आप बहुत सुने माइग्रेटरी बर्ड्स, आप साइबेरियन क्रेन की बात जानते हैं कि साइबेरियन के जो क्रेन्स होते हैं वो वहाँ बहुत कूलर ए रीजन है, तो वहाँ उनके अंडे जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, दे कम हेयर फॉर द ब्रीडिंग, वो यहाँ अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद अपने बच्चों को लेकर साथ चले जाते हैं, तो वो क्या होता है वो यहाँ आए और यहाँ से वापस चले गए। साथ ही अगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी नौकरी के लिए विदेशों में जाते हैं, तो कहीं पर किसी का आना या जाना दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, ये इम माइग्रेशन भी हो जाता है और आई माइग्रेशन भी हो सकता है। तो वही बात कहता है कि जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, हियर जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, अगर यहाँ का कोई जीव किसी दूसरे जगह में जाता है तो जाएगा तो ठीक है और आएगा वो भी ठीक है, बट दे इंटरब्रीड, वापस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, इससे क्या होगा वहाँ के जो जीन पूल है वो चेंज करेगा। यू नो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या सक कहता है, द फ्लो बाय चांस काउजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के चेंज से यानी कितने जीव यहाँ से जा कर करके उसके जीन पूल को डिस्टर्ब किए, उसमें चेंज लाए जो कि हम जीन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है, और इस पर शॉर्ट नोट्स आता है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। म्यूटेशन क्या है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, जैसे अभी आपने वेल का मैंने एग्जांपल बताया, आप पेंगुइन को देखें वो भी म्यूटेशन का ही है, या अभी आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जो शकरकंद है और आलू है उसका आपने एग्जांपल पढ़ा, आपने बोगनवेलिया और कुकरबिटा का पढ़ा था, तो ये सब म्यूटेशन का ही परिणाम है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक के टर्म में क्रॉसिंग ओवर को ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करके कुछ नया बनाना, वी आर समथिंग डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो नए चीज को मिला करके कंबाइन कर लिया, रिकॉम्बिनेशन किसी चीज का बार बार टूटना और फिर से बनना, जिससे कि नए हमें कैरेक्टर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिसफलिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इज रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट इज द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, और ये कॉन्सेप्ट डार्विन का दिया हुआ है, चार्ल्स डार्विन का, इसमें उन्होंने तीन बातें कही हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होगा, स्टेबल होना, स्थिर होना, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं पड़ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, दैट इज स्टेबलाइजिंग थ्योरी। हेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड, आपको पता है कि अगर कोई एस्टैब्लिश हो गया, जैसे हम कहते हैं कि हमारा भाई एस्टैब्लिश हो गया यानी वो जॉब में आ गया, या हम एस्टैब्लिश हो गए यानी हम अपने आप को कहीं पर सेट कर लिए हैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से या अपने जॉब के हिसाब से या घर परिवार के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिए, तो जब हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कोई वेरिएशन हमें दिखेगा, कोई विभिन्नता दिखेगी, नहीं दिखेगी, हमारा एक रूटीन लाइफ हो जाता है, हमें इतना बजे जाना है, इतने बजे आना है, या आप बच्चों आप स्कूल में हैं, अभी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी आपका थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया होगा क्योंकि आप स्कूल से भी हट गए हैं,
आपने अपने सेंटअप एग्जाम्स दे दिए हैं, अभी आपका पूरा फोकस एग्जाम के लिए, तो आप थोड़ा बहुत आपको इधर उधर घूमने का टाइम मिल जाता है। लेकिन आप 2 महीने पहले की बात याद करें तो आपका एक रूटीन लाइफ था, आपको स्कूल जाना था, आपको पढ़ाई करनी थी, आपको नोट्स बना के जमा करने थे, असाइनमेंट जमा करने, तो उसमें वेरिएशन थे? बिल्कुल नहीं थे। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये कहता है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर, एक आइडियल, एक औसत उनका लाइफ हो जाता है, एक औसत उनका उनके गुण हो जाते हैं और उसमें वेरिएशन की मात्रा न के बराबर होती है। दूसरा डायरेक्शनल, इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम आर मोर फेवर्ड। जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले कि जो बच्चे साइंस में हैं और प्रैक्टिकल्स जिनको देनी है, जैसे अगर बायोलॉजी और मैथ वाले अलग अलग होते तो बायोलॉजी वालों को क्या होगा, उनको डायग्राम ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो उनका जो प्रैक्टिकल बनाने का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक तरफ फ्लो करेगा, उनका ज़्यादा टाइम होगा वो डायग्राम बनाने में जाएगा, बायोलॉजी की उनका प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में या उसको तैयार करने में, मैथ्स में भी होते हैं लेकिन इतना नहीं होता जितना बायोलॉजी में होता। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो जेनेटिकल जो शिफ्ट हुआ वो एक तरफ हो गया, मींस आपके के प्रैक्टिकल बनाने का जो टाइम है वो 1 घंटा इधर ज़्यादा हो रहा है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जब रेशियो मिला करके देखेंगे तभी हमें ये मालूम होगा। अब अगला हम आते हैं डिसरप्टिव सेलेक्शन। डिसरप्टिव का मतलब ही होगा डिस्ट्रक्टिव, डिस्टर्ब किया हुआ, ना इधर ना उधर। तो इसको क्या कहते हैं, वेन इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स प्रेफरली करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड एट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर फेवर्ड। इसे हम ग्राफिकल भी दिखा सकते हैं और आप एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम लिया हुआ है जिसको आप देखिए बच्चों, एक ही डायग्राम है जिसको कि यहाँ 3 तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पहले आप एक देखिए, एक्स रीजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप, ऐसे इंडिविजुअल जिनका हमने फिनोटाइप लिया है, और इधर फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे कितने फिनोटिपिकल कैरेक्टर हैं जो नेचर जो है वो उसको प्रमोट कर रही है। मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर प्रेफर्ड, तो कहता है कि जो मीडियम साइज है, ऐसे भी मध्य की जो बात कही गई है, मीडियम मार्क जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे ज़्यादा फेवर किया गया। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, आप अगर हम इसको यहाँ ग्राफिकल अब 10 20 30 करके हम दिखाया 80 90 100 तक, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल का नंबर है वो काफ़ी कम है। आप देखिए यहाँ इस रेशियो में अगर हम ऐसे इसको बारंबारता वाला लाइन खींच के दिखा तो ये बहुत कम होंगे, लेकिन अगर आप एवरेज में आप आके देखें तो एक मीडियम, अगर यहाँ पर हम हाइट की बात करें, अगर किसी प्लांट की हाइट की बात करें तो एक मीडियम हाइट वाले प्लांट, जैसे एक हमने एक 10 फीट का प्लांट लिया, एक 5 फीट का प्लांट लिया और एक 2 फीट का प्लांट लिया, तो आप देखिए कि 10 फीट वाले प्लांट की संख्या है लेकिन काफ़ी कम है, बिल्कुल कम हो जाएगा, उनको लगता है 30% के करीब। लेकिन अगर मीडियम साइज वाले को देखें तो वो 50% को कवर कर रहे हैं और शॉर्ट वाले तो काफ़ी शॉर्ट है। तो इस तरह से हम इसको स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्टर्बिंग, ये तीन डिस्ट्रप्टिव 3 तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पहला जो डायग्राम है, ए पीक गेट हायर एंड नैरोअर, जैसे जैसे अगर लंबे पौधे की हम बात करें तो टॉलनेस जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक गई है और बीच वाला यानी जो मीडियम हाइट है वो लगभग ख़त्म हो गया है, या तो शॉर्ट वाले हैं या फिर टॉल वाले हैं। मीडियम हाइट वाले पौधे लगभग ख़त्म है, यानी स्टेबलाइजिंग किधर की ओर हो रही है, टॉलनेस की ओर हो रही है। दूसरा पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ये जो पीक है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से तो ये लेंथ की ओर गया लेकिन इधर से फिर वो शॉर्टनेस की ओर जा रहा है। तीसरा देखिए डिसरप्टिव, यहाँ 2 पीक बन रहे हैं, यहाँ पे मीडियम हाइट को ही प्रमोट किया जा रहा है, शॉर्ट हाइट थोड़े से हैं और टॉलनेस लगभग खत्म हो गया। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चों हैं वो उसी इसी डायग्राम पे आते हैं और इसको डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं, तो आप इसको जरूर से लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो। अगला हमारा टॉपिक है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। आपने अभी तक पढ़ा कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और पानी में ही इसकी शुरुआत हुई, जलीय जीव ही सबसे पहले बने, तो उनको हम अपनी सुगमता के लिए काफ़ी अच्छे से उनके अध्ययन के लिए हमने समय को कई छोटे छोटे समूहों में बांटा है जिसको हम इपॉक कहते हैं, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने 4 एरा में बांटा है,
प्रोटियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। तो सबसे पहले हम प्रोटियोजोइक एरा की बात करें। प्रोटियो का मतलब ही होता है प्रो, फर्स्ट, और प्रोटियस यानी ऐसे जीव जो सबसे पहले इस धरती पर मिले, और वो उनका जो टाइम पीरियड था वो 2500 से 5541 मिलियन ईयर्स एगो था। इस समय कौन से जीव मिले? तो सबसे पहले हमें 2000 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ अपीयर, सबसे पहला जीव हमें 2000 मिलियन साल पहले मिला। इसके बाद इसी जीव से जिसमें आरएनए की मात्रा अधिक थी, आप इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे, सम सेल हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन एज द हाई रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू यानी कि ग्रीन प्लांट्स लगभग बन रहे थे और उनसे ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होना शुरू हुआ, और सिंगल सेल जो थे वो किसे कन्वर्ट हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है ये आपको पता है, जितने हम इनको छोड़ दे बैक्टीरिया और वायरस को, उसके बाद सारे जो क्या हो जाते हैं, और यूनिसेल अमीबा को छोड़ दे तो सॉरी। अब आते हैं हम पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा 540 से 252 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात करते हैं पेलियोजोइक एरा में। इस एरा को हम कई सारे छोटे छोटे टाइम पीरियड में बांटा है, जैसे कैम्ब्रियन एरिया, ऑर्डोविसियन एरिया, साइलूरियन एरिया, डिवोनियन एरा और कार्बोनिफेरस एंड परमियन एरा, छोटे छोटे एरा में हमने बांटा है। तो सबसे पहले कैम्ब्रियन एरिया की बात करें तो इसमें इनवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म, आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, जितने भी स्टारफिश हैं, आपके जो लीच हैं, ये पैरामिशियम की हम बात करते हैं, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट कॉलम डेवलप नहीं हुए हैं। तो उस समय 500 मिलियन ईयर में इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो इस धरती पर अपीयर हुए, जो कि इससे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद का एरा फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म और प्लांट जिसको हम कहें वो अपीयर हुआ। नेक्स्ट इज द 400, हाँ बच्चों एक चीज़ और जो मैंने पिछले अभी तुरंत बात की थी, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा था थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऐसे कई सारे एनिमल्स भी उस समय धरती पर थे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कर सकते थे, और उसको हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन रिलीज होता था। 4000 मिलियन ईयर्स पहले ऑर्थोपोड इस धरती पर आए, और 350 मिलियन बाद जो है वो जॉलेस फिश इस धरती पर आए। लोबफिन स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन फिश कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एंसेस्टर हम मान सकते हैं, इसको हम कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं किसके बीच में? फिश और एम्फीबियंस के बीच में, जैसे जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एम्फीबिया, और एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सलामेंडर। इन 1938, आपको पता है बच्चों की इवोल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होता भी नहीं है, और हम ये जो जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ये सब हम इमेजिनरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम पीछे जाएं और कैसे कैसे इसके बाद कौन से जीव आए, उनमें क्या क्या चेंजेज आए, और उस चेंज को फिर अगले जनरेशन में या अगले तरह का जो टाइम पीरियड में जो जीव बने उसमें हम ले जाएं, उसकी हम डायरेक्ट हम स्टडी कर सके, जैसा आप नोबिता वगैरह देखते हैं उसमें होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे ये एक इमेजिनरी है, और साथ ही ये सब फॉसिल्स बेस्ड है। ये फॉसिल हमें जब और जैसे जिस अवस्था में मिलते हैं हम उन्हीं को मिला कर करके टाइम के अनुसार, और कार्बन रीडिंग, आपको पता है कार्बन रीडिंग क्या होता है, उसके साथ हम कंबाइंड करके स्टडी करते हैं और कंक्लूजन पे निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो लगातार चल रहा है, और इस फॉसिल्स पर बेस्ड हम अपने पूर्व इवोल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, अपने हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो इसी में एक और चीज़ देखिए यहाँ मिली है 1938 में, ए लोबफिन कॉल्ड कोयला कैंथ फिश वॉज कॉट इन साउथ अफ्रीका विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन एक अचानक से एक मछली मिली है जो साउथ अफ्रीका में मिली, जो हमारे लोबफिन के तरह की थी, और बीच में वो कनेक्टिंग लिंक थी मॉडर्न फ्रॉग और सलामेंडर के बीच की। इसके बाद आप आइए 320 मिलियन ईयर्स एगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स वेयर एग्जिस्टेड।
एम्फीबियंस इवॉल्व टू रेप्टाइल्स, और एम्फीबियन जो क्या थे वो अब रेप्टाइल्स में चेंज कर गए थे, दे ले थिक सेल्ड एग्स, वो एग लेइंग एनिमल्स की शुरुआत हो गई है। इसके बाद जायंट फर्न या जिसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं वो हमें इस धरती पर इसी समय उनका डेवलपमेंट हो गया। अब आए हम मीजोजोइक एरा में, मीजो का मतलब ही होता है बीच का, यानी बीच का एरा, एज ऑफ रेप्टिलियंस एंड जिम्नोस्पर्म इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एज ऑफ रेप्टिलियंस एंड जिम्नोस्पर्म, तो मीजोजोइक आएगा, पेलोजोइक आएगा, पेलोजोइक आएगा, प्रोटोजोइक आएगा, तो आप मीजोजोइक में टिक करेंगे। ये तीन पीरियड में हमने इन्हें डिवाइड किया है, टेरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। टेरासिक पीरियड क्या हो गया, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वॉटर एंड इवॉल्व इन टू फिश लाइक रेप्टाइल्स, जैसे इक्थायोसॉरस, लैंड रेप्टाइल्स वेयर डायनासोर्स। और इसके बाद आप देखिए यहाँ टायरेनस रेक्सस वॉज द लार्जेस्ट डायनासोर, कितना फीट लंबा था, 20 फीट लंबा एंड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, जो अभी हम एक हाथी, जो जंगली हाथी का कभी कभी आप तस्वीर देखते हैं उसके दांत काफ़ी नुकीले और बाहर की ओर निकले हुए होते, ठीक उसी तरह से उसके टीथ थे। और साथ ही टूथलेड टूथेड बर्ड्स वेयर इमर्ज, यानी ऐसे पक्षी भी इसी समय डेवलप हुए, इवॉल्व हुए हम कह सकते हैं, जिनमें टीथ थे। आपने आर्कियोपेट्रस का नाम सुना है, उसका आपने बहुत जगह किताबों में उसकी तस्वीर भी देखी है, तो वो ऐसा पक्षी है जिसमें टीथ है। जबकि आजकल के जो मॉडर्न बर्ड्स की कोई हम चर्चा करते हैं, या उनकी जब हम कुछ साल पहले की या 1000-2000 साल पहले की भी अगर हम उनके जीवाश्म को पढ़ते हैं तो उसमें टीथ जैसा कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता, लेकिन इसमें वो या इस समय वो थे। तो ऐसा हो सकता है कि वो जिस इन्वायरमेंटल में रहते होंगे वहाँ उन्हें ऐसे फूड मटेरियल मिलते होंगे जिन्हें उन्हें काट करके खाने की ज़रूरत पड़ती होगी, प्लांट्स काफ़ी डेवलप नहीं थे, फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, सीड्स अवेलेबल नहीं थे, तो हो सकता है उस समय उन्हें ऐसा रह इस इन्वायरमेंट में रहना पड़ा होगा। नेक्स्ट इज द सीनोजोइक एरिया, जिसको हम ह्यूम युग की बात करते हैं, अभी मैं इसी तरह के एनिमल की बात कर रही थी जो टीथ बाहर की ओर निकले होते हैं। अब देखिए जायंट एलिफेंट जिसको हम कहते हैं, तो सीनोजोइक एरा को हम कहते हैं मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म एरा। इट हैज़ टू पीरियड, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, टर्शियरी 66 मिलियन ईयर एगो एंड क्वार्टरनरी 2 मिलियन ईयर एगो, जिसको कि हम एज ऑफ मैन भी कहते हैं। इसी एरा में ह्यूमन का इवोल्यूशन इस धरती पर हुआ। तो 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले डायनासोर्स वेयर सडनली डिसअपियर्ड, आपको पता है ह्यूमयुग हुआ था, अचानक से धरती पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने लगी थी जिससे कि सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, सम से क्लाइमेट चेंज किल्ड देम, और कुछ इनका कहना है जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपसे चर्चा की कि अभी तक हम लगातार अपने पूर्वजों को खोज रहे हैं, हम कैसे इतने विकसित जीव बन गए, इतने बुद्धिमान जीव बन गए और इतने तरह तरह के जीवों के गुण हमारे अंदर है। अगर हम अपनी ही ह्यूमन की ही इम्ब्रोलॉजी को स्टडी करें तो कभी हम फिश की तरह दिखते हैं, कभी एम्फीबियंस की तरह दिखते हैं, कभी रेप्टिलियंस की तरह दिखते हैं, तो कैसे ये सारे कैरेक्टर्स जिसको कि हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं हमारे अंदर आए हैं। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो कुछ इसमें साइंटिस्ट अपने खोज से इवैक्यूएशन से इस रिसर्च पर निकले, ये रिजल्ट पे निकले आए कि कुछ ऐसे सडन क्लाइमेटिक चेंज हुए होंगे जिसके कारण वो सारे डायनासोर इस धरती से डिसअपियर हो गए। सम का कहना है, कुछ का कहना है कि दे इवॉल्व इनटू बर्ड्स, और कुछ कहते हैं कि वो सारे डायनासोर्स बर्ड्स बन गए, तो हो सकता है कुछ बने होंगे, लेकिन वो जो इसकी हम बात करते हैं ट्राइकोकोरस की, वो तो कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि 20 फीट हाइट का बर्ड हमें कहाँ वो उड़ के बैठेगा, अगर उड़ेगा पक्षी है तो उड़ेगा, उसके बोन्स हल्के होने चाहिए तभी तो वो उड़ भी पाएगा, तो वो कहाँ बैठेगा। तो ये बहुत इमेजिनरी है, साथ ही कुछ हमें जो फॉसिल्स प्रूफ मिलते हैं उनको कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं, तो खैर जो भी हो लेकिन इस एरा में जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। फर्स्ट मैमल्स वेयर श्यू लाइक, द फॉसिल्स आर वेरी स्मॉल साइज, यानी जो फर्स्ट मैमेलियन मिला वो श्यू लाइक थे, श्रिम्प लाइक, वेरी जिसको हम मछली कहते हैं छोटा सा उसके जैसे थे, और उनके जो फॉसिल्स मिले वो काफ़ी छोटे मिले। इन साउथ अमेरिका देयर वेयर मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, कुछ ऐसे मैमल्स साउथ अमेरिका में मिले हैं जो हॉर्स की तरह दिखने में होते थे, हिपोपोटामस की तरह दिखते थे, ड्यू टू
ड्रिफ्ट एंड साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वेयर ओवर मीटेड इंटू नॉर्थ अमेरिका। और इंटर जो बीच में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जो धरती आपस में खिसक के अलग अलग हो गई, उससे भी बहुत सारे जीवों के जीवन पर असर पड़ा। और एक खास इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म जब दूसरे इन्वायरमेंट में गया, तो धीरे धीरे वो उसी में अडेप्ट होकर करके वहीं का हो गया। इसी में आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव्ड बिकॉज द लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर एनिमल। जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वहाँ क्यों सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वहाँ बहुत काफ़ी लैंड मास काफ़ी ज़्यादा था और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो काफ़ी कम थे, तो अपने आप को वहाँ आसानी से अपने आप को डेवलप कर सके। बच्चों अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन के ओरिजिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मैन के ओरिजिन की बात करते हैं, तो आप ये जानिए कि फॉसिल्स ही आइडियल सोर्स है हमारे नॉलेज का, हम उसी से पढ़ते हैं और सारा कुछ लगभग इमेजिनरी ही पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे खास करके जहाँ जहाँ हमें फॉसिल्स मिलते गए और अभी भी मिलते जा रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। इसमें अगर बहुत तरह की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट जो माना जाता है पूर्वज, या नियरेस्ट लिंक जो माना जाता है, वो एप को माना जाता है। तो उसमें अगर एप में भी हम बात करें तो हम चिंपैंजी, एप में गोरिल्ला होते हैं, गिबॉन होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, लेकिन सबसे जो हमारा नियरेस्ट अगर माना जाए जीन के बेसिस पे या डीएनए के बेसिस पे, तो वो चिंपैंजी, क्योंकि 98% हमारा जो जीन है वो चिंपैंजी के साथ मिलता है। साथ ही हम ब्लड ग्रुप भी अपना एबीओ शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चिंपैंजी हमारा नेचुरल एंसेस्टर है, वहीं से हम आगे बढ़ें। एक और हम अपना प्रूफ देखें कि जैसे जैसे इस धरती पर मैमेलियन की शुरुआत होने लगी, तो उसमें जब हम एप्स की बात करते हैं, तो एप्स में आप देखिए पूंछ वाले बंदर, बिना पूंछ वाले बंदर, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और जब एप्स और अपने आप को ह्यूमन को कोरिलेट करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमें मिले हैं कि हम वहीं से हम आगे बढ़े हैं। तो अगर हम कोरिलेशन की बात करें या सिमिलैरिटीज की बात करें, तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटी तो होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो लगभग उसी तरह का होता है। और अगर एप के बच्चे को आप देखें तो उसका जो क्रेनियम का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर के तरह होता है, तो ये हमारी सिमिलैरिटी होती है। साथ ही आप ये देखिए कि वो सब भी पेयर में रहते हैं, कपल में रहते हैं, उनकी भी जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। साथ ही ये उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी फैमिलियर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे सिमिलैरिटीज हो जाते हैं। अभी आप ये स्लाइड देख रहे हैं बच्चों, जिसमें आप देखिए कि इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो सबसे पहले हाँ एक चीज और, कि जो भी हमें मैन की जो इवोल्यूशन हुई उसके सबसे ज्यादा प्रूफ हमें अफ्रीका से मिले हैं, जिसमें कीनिया सवाना, ये कीनिया वहाँ हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो आप यहाँ ये भी देखिए, ह्यूमन, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये तीन तरह के लिए भी हमें ये दिख रहे हैं, तीनों जो है वो एप के ही डायरेक्शन में आए हैं। तो आप देखिए, एक और हम देखें कि एप से अपने आप को कोरिलेट करें, तो एप का जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो रीब केज है वो ह्यूमन से मिलता जुलता है, डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है, तो ये भी एक हमारा एप से हमको कोरिलेट करता है, एप से मिलता जुलता कैरेक्टर हमारे अंदर है। आप ये देखिए कि ह्यूमन, चिंपैंजी और गोरिल्ला, गोरिल्ला का जो हाथ है वो काफ़ी लंबा है और वो आगे की ओर झुका हुआ, बिल्कुल इस तरह से झुक के चलता है, और चिंपैंजी थोड़ा सा उससे अलग दिख रहा है, क्योंकि उसका जो ये जो बोन है, रिब वाला बोन है, आप देखिए वो स्ट्रेट नहीं है जितना कि इसका इरेक्ट है, ये काफी यहां से कर्व क्यों हुआ है। तो ये कैरेक्टर हमें उससे कोरिलेट करता है। जैसे ही हम इरेक्ट हुए तो हमारे ये दोनों हाथ फ्री हो गए, अब ये दोनों हाथ से हम लिख सकते हैं, कुछ पकड़ सकते हैं, इससे हमने आग जलाना सीखा, हमने पहिया बनाना सीखा और बहुत सारे काम हमने शुरू किए, जो एक आज के मॉडर्न ह्यूमन की पहचान होती है। तो यहीं पर हम अपनी इसको देखते हैं, इवोल्यूशन को।
तो 15 मिलियन से एक और ईयर एगो पहले ड्रावोपिथिकस, ड्रावोपिथिकस जो थे वो पहला ऐसा माना गया ह्यूमन का एंसेस्टर जिसकी खोज लिबी ने की थी, और एक और रामापिथिकस जो इसको कि हम अपना दूसरा मानते हैं, इनके बॉडी पर हेयर थे, ये वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, एंड ड्रावोपिथिकस जो थे वो एप लाइक थे, जबकि रामापिथिकस जो थे वो मोर मैन लाइक कैरेक्टर उनमें थे। हालांकि ये ड्रावोपिथिकस वाले कैरेक्टर भी हमारे अंदर हैं जो कि एप के जैसे हैं, लेकिन रामापिथिकस वाले कैरेक्टर जो थे वो हमें ज़्यादा नजर आते हैं। इसके बाद आप आइए, मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक लाइक राइट इन ईस्टर्न अफ्रीका में उनकी हाइट जो थी वो 4 फीट थी। जैसे द बिलीफ इज बेस्ड ऑन द फॉसिल मैन लाइक बोन फाउंड इन द इथोपिया और तंजानिया, तंजानिया और इथोपिया में जो हमें मैन लाइक बोन के फॉसिल्स मिले हैं उनकी हाइट मैक्सिमम हम 4 फीट ही कैलकुलेट कर पाए, यानी उनकी हाइट काफी ज्यादा नहीं होती थी। इसके बाद आप आइए यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे और हंटेड विथ स्टोन वीपन्स, और ये पत्थरों के हथियार बनाने, चूंकि आप ही अब मैंने चर्चा की कि उनके हाथ बिल्कुल फ्री हो गए थे, वो बिल्कुल फ्री हैंड से काम करना सीख चुके थे, हाँ पैर पर वो आसानी से अपने आप को बैलेंस करके खड़े हो रहे थे, तो उन हाथों से उन्होंने औजार बनाए, साथ ही उसका इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया। वो क्या थे, हर्बीवोरस थे, 8 फ्रूट्स, होमो हैबिटेलियस फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमोनिड जिसको हम कहते हैं, और क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 650 से 800 सीसी थी, और ये मीट नहीं खाते थे, जबकि आज के जो हम मॉडर्न ह्यूमन हैं वो तो ओमिनिवोरस हैं, हम वेजिटेटिव, हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, लेकिन इस समय के जो ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म थे वो केवल फ्रूट्स खाते थे। इसके बाद आप आइए यहाँ होमो इरेक्टस, ये जिसको हम जावा मैन कहते थे, इनका ब्रेन काफी लार्ज था, 900 सीसी का था, और ये 8 मिनट। अब यहाँ जो क्रेनियम साइज जो है बच्चों, ये बताता है कि उनका ब्रेन जो था वो कितना एक्टिव था, जिसका ज्यादा ब्रेन एक्टिव होगा तो वो ज्यादा उसका क्रेनियम होगा। अब 1,40,000 साल पहले का नीदरलैंड मैन, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 14 सीसी थी, लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेथ, और मरने के बाद आप देखिए कि बुद्धिमानी जो थी, सोचने का तरीका, अपने आप को आगे सरवाइव करने का तरीका, या उनके अंदर वो फीलिंग्स भी आ गई कि उन्हें अगर वो कोई जीव मर जाता तो उसे फेंकना नहीं है, उसे क्या करना है, बरी करना है, जमीन के अंदर लगा देना, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, या सोचने समझने की क्षमता जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जैसे कि क्रेनियम साइज भी उनका बढ़ रहा था। अब आप आइए 75,000 से 10,000 साल पहले आइस एज की हम बात करें, जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं या होमो सेपियंस कहते हैं, तो प्री हिस्टोरिक केव आर्न डेवलप अबाउट 18 ईयर से हो। अब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो रहा था कि वो केवल बरी करना ही नहीं, डेड बॉडी को बरी करना ही नहीं, वो ड्राइंग बनाना, रंग क्या होते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त, चिड़ियों का चहचहाना, खेती करना, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीख रहा था, जिसमें कि आप देखिए 18,000 साल पहले की हमें पेंटिंग मिली है गुफाओं में, और उसमें सबसे अच्छा भीमबेटका रॉक जो है, आपको पता है भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, आप यहाँ जाएं और देखें, अभी भी उसके कलर्स इतने फास्ट एंड फ्यूरियस हैं कि आप देख के आप चकित हो जाइएगा, मिसमराइज हो जाइए कि वाह उस समय का इंसान का कितना सुंदर सोच था। तो रेजिन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट, और इसी समय 10,000 साल पहले से मनुष्य ने खेती करना सीखा, उसने उसका जो जंगली जीवन था जिसको हम आदि मानव कहते हैं वो अब सामाजिक जीवन को जीने लगा, और उसे हम सामाजिक कहने लगे, और बाद में कहने लगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने इस कथन को दिया है। अब आते हैं हम सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अगर आपको अरेंज करने के लिए आता है बच्चों तो आप इसको अरेंज करेंगे, जैसे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नीदरलैंड्स, और फिर होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब ही होता है सबसे अधिक बुद्धिमान जीव। अब यहाँ आप देखिए क्रेनियम साइज, आप इन
ये चार तरह के स्कल्स हैं। आप देखिए ये होमो सेपियंस है, मॉडर्न मैन का स्कल है, ये बहुत ज्यादा आप देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, इनका प्रोट्रूडेड जॉ है, आगे की ओर निकला हुआ है, नाक है वो दबी हुई है, उनके जो आईब्रोज होते हैं वो काफी ऐसे फैले हुए होते हैं, जबकि हम लोग के भी होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं, लेकिन उनके काफी फैले होते हैं जिसके, और ये जो जॉ प्रोट्रूडेड है, ये नाक जो होती है वो क्या होती है, काफी दबी हुई सी दिखती है। अब होमो इरेक्टस में आप देखिए जॉ जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया है और क्रेनियम साइज जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो नाक की जो पोजीशन है वो हमें दिखनी शुरू हो गई है। यही चीज अगर आप हम यहाँ नीदरलैंड्स को देखें तो इसमें ये काफी और अच्छा हमें दिख रहा है। देखिए फेसियल जो आप देख रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, और जो ब्रेन का क्रेनियम साइज था जो पीछे की ओर इस तरह से निकला हुआ हुड जैसा था, वो अब यहाँ से राउंड शेप में आना शुरू हो गया है। और इसके बाद जो होमो सेपियंस की बात करते हैं, जो मॉडर्न ह्यूमन के आप स्कल की बात करें, तो आप देखिए इट इज इन ऑलमोस्ट राउंड शेप, प्रोट्रूडेड जॉ जो है था वो फिक्स हो गया है, सेट हो गया है, नोज की एक प्रोमिनेंट प्लेस मिल गई है। तो इस तरह से हम जो हमें स्कल्स मिल रहे हैं और अभी भी जहाँ कहीं भी मिलते जा रहे हैं, उन सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ उसका हम कंपैरिजन करते हैं, और साथ में कार्बन स्टडी करते हैं। कार्बन 14 आप जानते हैं कैसे हम कार्बन स्टडी करते हैं, ये केमिस्ट्री में भी आता है पूछने के लिए, कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो उस तरह से हम करके बच्चों ये काफ़ी हद तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, हम कैसे यहाँ तक आए हैं और इससे आगे हम कहाँ जाएंगे। इसके साथ हम बच्चों आप इस डायग्राम को देखिए, यह डायग्राम बहुत ही इमेजिनरी है लेकिन बहुत कुछ कहता है कि वी आर क्रिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स डीएनए का फॉर्मेशन करता है और डीएनए से फिर एक लिविंग, चूंकि द मोस्ट ब्राइटेस्ट इंटेलिजेंट जीव आज हम धरती पर हैं वो बने हुए हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल्स फिर क्या होते हैं, डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं और फिर इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बच्चों आज इसी के साथ आपका ये क्लास ख़त्म होता है। इस क्लास में हमने इवोल्यूशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और इसके हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिससे मैं आपकी समस्या को समाधान कर सकूँ। मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से उसे आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें, और जो भी कंटेंट और मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं उससे आप अपने आप को अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। थैंक यू।